नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज ने दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हरजिंदर जी को बनाया है, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि पूरे देश में दलितों को भारतीय जनजागृति पार्टी में एकजुटता के साथ लाने में वे क्या भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार हरिंदर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारतीय जनजागृति पार्टी में आपने शामिल होना स्वीकार किया, तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह सर ये थी, पहले बीजेपी भी देखा, उनकी हमने काफ़ी सपोर्ट की, फिर कांग्रेस की भी की, तो देखने में ये सभी दिशाओं में ही है। हजारों साल से आज तक कुछ भी नहीं बदला, उसी तरह हमारे लोगों को घोड़ी के चढ़ने पर पीटा जाता, कहीं मंदिर चल जाता पीटा जाता, राष्ट्रपति को अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता। तो हमें ऐसे राजनीति को परे हो गया। एक संत युवराज जी ऐसे ही मैंने देखे, जो ब्राह्मण होते हुए भी सभी की एक समानता बात करते हैं। अगर किसी हिंदू पर आता है प्यार होता भी बोलते हैं, मुसलमान हो पर होता वो भी बोलते हैं, अगर दलित पर भी हो तब भी बोलते हैं, वो किसी का ये पक्ष नहीं लेते। तो आप दलितों को जो है भारतीय जनजागृति पार्टी में लाने के लिए अपने स्तर पर क्या कोशिश कर रहे हैं? सर हम तो दिन रात अपने दलित समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आज की राजनीति है, ये ऊपर से सभी एक ही है, ये दलितों को लग रहा है हमारा ये सरकार हमारी है, दूसरे मुस्लिम बोलते हैं हमारी है, पर किसी का कुछ भी भला नहीं होने वाला। मैं लिख देता हूँ, ना हुआ आज तक ना होगा। संत युवराज भला कर देंगे, ऐसा यकीन आपको क्यों है? संत युवराज करे ना करे, हम अपने योद्धे ऐसा पैदा कर रहे हैं कि पहले बाबा साहब अकेले थे, हम ऐसा अब अभियान चला रहे हैं, घर घर अब्दुल कलाम और भीमराव अम्बेडकर पैदा होंगे। क्यों हम बात करते हैं शिक्षा और चिकित्सा की और बेरोजगारी की, हम धर्म को इतनी मानता नहीं। तो बिना सत्ता में आए आप शिक्षा और रोजगार कैसे दे देंगे लोगों को, चिकित्सा कैसे सुविधा उपलब्ध करा देंगे? हम घर घर जाकर अपने लोगों को जगा रहे हैं और समझा रहे हैं। जो 250 का सिलेंडर होना चाहिए आपको 900 में क्यों मिल रहा है? जो पेट्रोल आपको 30 रुपये में मिलना चाहिए वो 100 रुपये में क्यों मिल रहा है? धन्यवाद।